चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक राजी नेता है, 36 बिरादरी की नेता है, ना उसके अंदर कोई जात ना बिरादरी, वह 36 कौम में रहती है, 36 बिरादरी की नेता है एक राशन। जो बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे हैं, हमारा लड़का भी फिर रहा बीडीसी है मेंबर, तो उनकी नौकरी नहीं है, है? और महंगाई ज्यादा है या होनी ना चाहिए भाई। 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकार आने से पहले, तो भाई क्या तो नौकरी है। नहीं पता कुछ नहीं, पेट्रोल कह दे 35 रुपए देंगे। नौकरी कर तो रहे, खेतों में नौकरी कर रहे, नौकरी कर रहे, बताओ आज तो कह रहे भाई, तो कह रहे मजा आ रहा, मजा कह रहा, मजा आ रहा। कोई भी सरकार आ जाएगा कोई काम नहीं करेगा तो बुरी दिखेगी सरकार। अन्य जो काम कराने जाएगा तो उठ के अपने घर से उठ के चल गया काम के लिए, तो उसे तो अपना बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा भाई, हमें तो मजदूरी करनी है, और घर पड़े को क्या मिल जाएगा, मजदूरी करेगा जब तो कुछ मिलेगा। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं, और जिला शामली की ये कैराना लोकसभा सीट पड़ती है। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये गाँव है सिक्का, गाँव है, यहाँ से गाँव का नाम है सिक्का, लोग हैं आसपास के। हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि इस बार जनता क्या देख रही है। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम? प्रेम सिंह। प्रेम जी, क्या लग रहा है जी, चुनाव आ रहे, क्या किसकी सरकार बनवा रहे इस बार? लोकसभा चुनाव है, क्या लगे थोड़ा सा? मोदी सरकार। मोदी, अच्छा लग रहा काम उनका? अच्छा लग रहा। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो कह रहा कि भाई अच्छा काम नहीं है, कई तरह की चीज। वो तो जितने मुँह उतनी बात, सबके अपनी मर्जी, सबको आप अपना अधिकार है मत देने का। क्या नाम जी? मेरा नाम राशिद अली है जी। जी राशिद भाई, क्या लग रहा? ताऊ जी तो कह रहे जो सरकार है बढ़िया चल रही। जो सरकार अच्छी है तो वो तो अच्छी कुल होगी जी, और ये अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी रहेगी सरकार। हमें भी यही उम्मीद है सन 2024 में आने वाले फिर तीसरा नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने की उम्मीद है। आप जो भी लोगों की समस्या है वो पूरी हो गए, किसी बात की दिक्कत नहीं। लड़की कहीं घूमो, लड़के कहीं घूमो, कोई प्रचार कोई गलत काम नहीं हो रहे, सब बढ़िया चल रहा है काम। क्या नाम है आपका? राशिद। अच्छा जी, तो चुनाव आ रहे, क्या लग रहा है, सरकार कैसी लगी है? मोदी सरकार है जो है, कैसी रही है? महिलाओं के लिए काम करे कुछ? क्या करे, कुछ नहीं करे। कुछ नहीं करे तो आपको कुछ फायदा मिला सरकार से? कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, सड़क का फायदा और उसका भाई ना नौकरी मिल रही ना, वो क्या नाम, बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही, और महंगाई कितनी है, तो घर चलाने में दिक्कत हो है? है? घर चलाने तो में दिक्कत हो है? जब इतनी महंगाई है, आमदनी इतनी है नहीं, तो कैसे करेंगे, है नहीं भाई? ये तो कह रहे कि हमने महिलाओं को भाई हम तरक्की करवा रहे, गैस दिए हमने घर घर। नहीं गैस तो दिए है, गैस तो दिए, ऐसे ही भाई महंगाई तो भर रहे भरवा रहे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी तो आज की महंगाई में घर चल पावे एक आम आदमी का, मजदूर आदमी का नहीं, कैसे चला करू? महंगाई कम करनी चाहिए, और राशन दे, राशन भी काटते हैं, राशन भी गरीबों का राशन काटते हैं, दो धड़ी आवे उसमें से भी निकाल काट लगते हैं दोनों डीलर जो है। जो बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे हैं, हमारा लड़का भी फिर रहा बीडीसी है मेंबर, तो उनकी नौकरी नहीं है, है? और महंगाई ज्यादा है या होनी ना चाहिए। आप यहाँ भी कुआ लो चाहे कहीं पे कुआ लो, जो कहना है तो कहना है। क्या समीकरण लग रहा है? जिला शामली है और कैराना लोकसभा सीट है, यहाँ तो एक रह गई है जी बस, कैराना लोकसभा। सपा से टिकट हो गया? हाँ सपा से टिकट हो गया, एक रसन का एक रसन हो रही है यहाँ तो। बीजेपी को देखो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा एक रह के सामने, लेकिन उनके पूर्व सांसद है यहाँ से प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप तो आगे जाकर भी नहीं, 10 साल सांसद रह लिया, बताओ कोई काम का, बताओ कोई काम का हो जो प्रदीप प्रदीप का चेहरा देखा हो किसी ने। तो कैराना लोकसभा सीट पे आप कह रहे कि इकरासन का असर है? इकरा पूरी दबा गया जी, लेकिन गठबंधन टूट गया अभी जैन से। टूट जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान नहीं तो मुसलमान ने तो ही तो आगा था जैन भी, जाट तो सब फिर भी नहीं वोट देते, इतने 9 के 9 विधायक बनने, सब मुसलमानों ने जीते रख के। हमारे सामने में प्रसन्न चौधरी 25,000 पीछे चल रहा था, आज जिस टाइम कांधलार गंगेरू और गढ़ी दौलत खुला फिर 25,000 ऊपर कूद गए जिंदर थे निर्वाल थे। लेकिन प्रसन्न तो उधर चले गए एनडीए में वोट करके आए राज्यसभा। हाँ चले जाओ कोई बात नहीं, धोखा करा हमारे साथ में, आगे वोट नहीं मिलने के बिल्कुल भी। जयंत है भारत है, हम जयंत नहीं है, जयंत कहीं भाग जाओ, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो मौजूद राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर है जी, धुम्मे ठरक के पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ कोई यहाँ तो देख सकते फर्क नहीं पड़ता भाई साहब।
का लगता है आपको? लेकिन इधर मनीष को भी लोग कह रहे हैं भाई टिकट मिल सकता है, आपके जीते हुए सांसद है प्रदीप चौधरी। मनीष चौहान का हो जाए बेचारे का ठीक है, पर लेकिन मनीष का करने तो नहीं है, प्रदीप का टिकट हो रहा है। तो अगर प्रदीप को टिकट हो गया, जैसे लोग शिकायत कर रहे थे भाई आए नहीं गाँव में, फिर कैसा समीकरण बनेगा? प्रदीप का टिकट होगा, मारी एक रहा नौ नहीं भजन देने की 9 बजे फाइनल कर देंगे, नहीं कहते कि जाओ अपने घर 9 बजे जीता दो 9 बजे। लेकिन बहुत से लोग भाई कह रहे हैं कि इकरा अच्छी नेता है, 36 बिरादरी की नेता है, ना उसके अंदर कोई जात ना बिरादरी, वह 36 कौम में रहती है, 36 बिरादरी की नेता है इकरा सन। वह ना मोमडनों को अपने मानती, ना हिंदू को, ना कश्यप, किसी को अपने नहीं मानती। वह 36 बिरादरी को अपने मानती है, 36 बिरादरी में आती है जाती है दुख सुख में ब्याह शादी में, 36 बिरादरी को लेकर इलेक्शन लड़ रही हो। लेकिन जैसे भाई किसान आंदोलन में किसान जाट जुड़ा होता, जाट आएगा साथ में? जाट आएगा जी, हमारे चौधरी साहब राकेश टिकैत जी है, राकेश टिकैत हमारे चौधरी साहब है, हमारे बड़े हैं, हमारे किसान के नेता है, आशीर्वाद दिया हमारे एमपी साहब को, एक रहो साथ में आएगा वोट देवगा जी, किसान बहुत जुड़ेगा। क्या लग रहा है जी, क्षेत्र में कैराना सीट है, इकरा सन का टिकट हुआ है यहाँ से, तो एक तरफ भाजपा है एक तरफ भाई सपा रही है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है, कोई कहीं भी वोट दे सके, हम तो बीजेपी के, बीजेपी को ही वोट देंगे भाई। काम अच्छे है, काम अच्छे है, सोच भी अच्छी है, हर चीज़ का फायदा है, जो का नहीं करता काम मजदूरी बन जाता अपने घर पड़ा रहे, कोई चौदह को बुरी दिखेगी सरकार, कोई सरकार आ जाओ ये नहीं है यही बीजेपी, कोई भी सरकार आ जाओ अगर कोई काम नहीं करेगा उसे तो बुरी दिखेगी सरकार, अन्य जो काम कराने जाएगा तो उठ के अपने घर से उठ के चल गया काम के लिए, तो उसे तो अपना बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा भाई, हमें तो मजदूरी करनी है, और घर पड़े को क्या मिल जाएगा, मजदूरी करेगा जब तो कुछ मिलेगा, ये है भाई। राहुल जी कह रहे थे सुरक्षा का एक बड़ा भाई बढ़िया पहले से बढ़िया हिसाब किताब, सुरक्षा हर चीज़ की है कि बताओ भैया किसके घर में चोरी हो रही, पहले होती थी भूले आम है, गाड़ियों में जेब कट रही है, लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, सब सब सारे काम होते थे भाई पहले। क्या नाम भाई? राजन है जी मेरा। राजन भाई, राजन कहा गांव से ही हो? गांव सिक्कर राजन कश्यप। अच्छा जी, तो क्या लग रहा जी चुनाव आ रहे, लोकसभा चुनाव आ रहे जी, मारे तो मोदी पे रहेगी वोट, जो कश्यप समाज जो है सरकार, कश्यप समाज भाजपा सरकार, बढ़िया लगे, बढ़िया हमारी तो एक नंबर की है। लेकिन विपक्ष कई तरह के आरोप लगाओ, विपक्ष तो लगाओ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जहाँ आए वहीं रहेंगे, मानोगे नहीं? तो कुछ बताओ कुछ क्या कुछ किया भाई, किस तरह के काम रहे? कुछ का कुछ का आया, कुछ कहने वाली बात तो है ही नहीं, हर फैसिलिटी है हमें भाई, वो भी हम तो कही... सुनो तो कर रहे खा रहे, जो नहीं करने का वही मार खाओगा, उसको दिक्कत है, मानोगे नहीं? जो नहीं कर रहा हम तो मजदूरी कर रहे खा रहे, हमें क्या दिक्कत रहेगी, हमारी तो मौज है, हम तो जो है सुबह 320 की मजदूरी करे, शाम के टाइम आराम से लौटे। क्या लग रहा है सरकार की बड़ी तारीफ हो रही है, यहाँ के लोग तो खुश हैं बढ़िया, आपको लगा है कुछ ऐसा काम बढ़िया काम रहा? काम तो ठीक है जी, पर सरकार जरूर बदलनी चाहिए यार, फेरी एक फेरी का मौका देनी चाहिए, सरकार तो है वैसे काफी चिंता चल रही जी, पर एक मौका तो दिया जाए और को भी, अब कोई नहीं बोलने का फिर बाद में, फिर क्या होगा, बोलने वाला कोई नहीं मिलने का जी, इस सरकार को भी रास्ता मिल जाएगा कि हमारा का कोई टिकने वाला, अब सबको मौका मिलेगा ना। तो आप क्या करते, काम क्या करते हो भाई? काम खेती का करे जी, खेती। हाँ जी, किसान का रागी भाई, हमारा तो समाधान नहीं हो रहा किसी चीज़ का, इसमें सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है जी, किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही, मजदूर परेशान, किसान परेशान, वहाँ जा देखो खेतों में किस तरह पड़े बिजार, कम से कम 12-12 बजे लोग करे लोग बाग, उनके जी को नहीं पता जी। लेकिन भाई तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा सब, कोई नहीं, मोदी सरकार नहीं छोड़ रही बिजार जो है, मोदी सरकार नहीं छोड़ रही, ये तो गांव वाले ही छोड़ रहे, सुना मेरी बात को, एक दिन जो हमें 11 बजे ड्यूटी पे आया, कम से कम 9 थे बछड़े, बताओ मोदी छोड़ गया क्या भाई? तो कहीं ना कहीं सरकार जब आई थी वो गाय के नाम पे व्यवस्था कर रहा है, 900 रुपए दे रही सरकार गांव को, जो है 900 रुपए दे रही, क्या कौन बराबर मिल रहा वहाँ कोटे में, कौन काट देगा भाई जिसका कोटा है, तो अनाज भाई, इन लोगों का जमीन नहीं है लोगों, हमें क्यों मारा कट रहा, मारा कट रहा ना, इन लोगों का नहीं कटता, तो नुकसान आप किसान को, नुकसान हमारे जी, जैसे ये कह रहे की भाई खेतों की फसल तैयार हो रही, जाके देखो मेरे खेत में 12 बाल आ रही, बिल्कुल भी गेहूं में कुछ नहीं खड़ा, जाके देख लो आप, बताओ फिर वोट कहाँ से दे देंगे?
मोदी जी के 10 साल पूरे हो रहे हैं उनका काम। 20 साल हो रहे हो चाहे और आ जाएंगे दोबारा। आप खुश है? हाँ हम तो खुश है भाई, सब खुश है। आपको ऐसी दिक्कत नहीं? हमें क्या दिक्कत है, बुखार चल रहा है, अपना दवाई खा रहे, आराम हो जाएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है भाई कई तरह की दिक्कत है, तो लड़ाई तो लड़ती रहे विपक्ष और पक्ष तो दोनों लड़ेंगे। बाकी जो कार्य है वो तो अच्छे हो रहे। ये कह रहे महंगाई हो रही भाई, महंगाई मोबाइल चला रहे, बेरोजगारी हो रही। चार लड़के हैं, चारों पे फोन है, एक का 650 का रिचार्ज है, एक का 300 का रिचार्ज है, एक का 250 का है। तो घर में चार सदस्य चारों पर रिचार्ज होंगे तो महंगाई अपना आप होगी। रात को मोबाइल देख के पबजी देखेंगे, गेम चलाओगे, सोवेंगे, पड़ेंगे। नहीं जैसे खाने पीने की चीजें है, दूध है, आटा है, दाल है, इन पर तो तेल है, पहले भी थी आटा, पेट्रोल है, बढ़िया पेट्रोल पहले भी गाड़ी क्यों चलावे, ना चलाओ अपना घर रहो, भूख मार के चलाओ भाई कह रहा। लेकिन ऐसी ऐसी चीज ऐसा कहने से आसान नहीं होती ना जिंदगी, बहुत सारी चीजें हो भाई साहब। जीवन तो बहुत कठिन है, इस दुनिया में अगर जन्म ले लिया व्यक्ति ने तो जीवन लेना भी कठिन है और मृत्यु भी कठिन है। अगर व्यक्ति करने खाने की नियत करेगा तो सब कुछ आसान है। लेकिन जो लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भाई, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही? मिलेगी भाई, कहाँ रद्द हो रही भर्तियाँ तो भाई, इतना बड़ा देश है, थोड़ा थोड़ा नंबर। अभी तो आप कह रहे भाई मजा आ रहा है, मजा आ ही रहा, तो कैसे याद हो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे भर्ती रद्द होगी, आर ओ का पेपर रद्द होगा भाई, जो पढ़े लिखे हो तो ये कह देगी 2 साल में भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकार आने से पहले। तो भाई क्या तो नौकरी नहीं पता कुछ नहीं, पेट्रोल कह दे 35 रुपए देंगे। नौकरी कर तो रहे, खेतों में नौकरी कर रहे, खेतों में नौकरी कर रहे, बताओ आज तो कह रहे भाई, तो कह रहे मजा आ रहा, मजा कहे आ रहा, बताओ मजा आ रहा कैसा भाई, पेपर लीक होने लग रहे कहाँ नहीं भाई, अब तक लोग 2-2 साल 5-5 साल से चुनाव के टाइम ही भर्ती क्यों, पहले भी दे देते भाई, वो तो उनकी चाल है, उनकी बात है, चाल है। अच्छा ये राजनीति है, सपने दिखाते हैं, राजनीति है मोदी, हां राजनीति तो है ही भाई, तो अंदर से समझ गया आप भी, सब समझ गए भाई। अच्छा चलो, बाकी तो करना खाना है, करना खाने की नियत रखो तो आदमी पहले भी सही था और अब भी सही है और सही रहेंगे। अगर प्रदीप चौधरी को टिकट मिलता है भाजपा से तो अब की बार वो कैंडिडेट बनता नहीं, अगर मनीष चौहान का अगर मनीष चौहान को टिकट मिलता है यहाँ से लोकसभा सीट पे तो टक्कर होगी इकरा हसन की और इसकी, यानी भाई यहाँ होती नहीं कुछ, इकरा जीत जाएगी। पता नहीं प्रदीप चौधरी से इधर को थोड़ा सा, प्रदीप चौधरी से लोग नाराज है काफी, प्रदीप चौधरी यहाँ आया अभी तो नहीं बताओ, यहाँ किसी गाँव में आस पास के गाँव में यहाँ आया हो तो मनीष चौहान को कह रहे अगर टिकट भाई अगर वो होगा तो उसके 90% चांस है अब की बात यहाँ की सीट जीतने की। लेकिन प्रदीप चौधरी जीते हुए सांसद है भाई, अब की बार तो भाजपा ने भी खुद कहा कि जहाँ से जहाँ पर नए नए चेहरे लाने को कैंडिडेट बोला उन्होंने लोकसभा चुनाव में सीटों पर हर सीटों पर मतलब नव युवक को ज्यादा मौका दे गया। अब की बार कैराना शामली कांधला नुकड़ गंगो 5 विधानसभा को विधायक है, जब एक लोकसभा बनती है तो आए नहीं कभी गाँव में, कभी नहीं आए बताओ, ना हमारे कैराना में आए, ना हमारे इसमें थाने भवन जिले में आए, ना कांधले उसमें आए, शामली में गंगो में ही रहे। हम तो आज जो टिकट हो गया फिर प्रदीप को दोबारा फिर नहीं जीतता दोबारा, साफ बात है भाई। अब तक हमने तो कोई उद्घाटन करता हुआ देखा नहीं भाई, प्रदीप चौधरी यहाँ था मार तो इकरा पे जाएगी वोट, अगर प्रदीप को टिकट होता है किसी को भी हो इकरा पे जाएगी, इनके तो इकरा पे है, इनका कहने का मतलब है अगर मनीष चौहान आता है तो कांटे की टक्कर हो जाएगी बस। हाँ बस चलिए, हम लोग कैराना लोकसभा सीट पर थे जहाँ पर हमने यहाँ सिक्का गांव के लोगों से बातचीत की, 2024 के चुनाव को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। जुड़े रहे आप सीसे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चैनल है भाई, आज दो बात हो जाए, क्या होगा।